व्हाट्सअप वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल यार। सो आज की वीडियो का टॉपिक है यूएफए चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल फर्स्ट लेग रिव्यू। यार क्या ही मैचेस हुए उसी का रिव्यू करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना भाई, दो तीन चीजें मैं तुम्हारे को बता देता हूँ भाई। एक, मैं ये वीडियो में गाली दूंगा भाई, ठीक है, बट दैट गाली इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स एनी प्लेयर और अ मैनेजर। तो अगर मैंने हाइपोथेटिकली बोल दिया कि क्या चूतिया बनती करी पेप गार्डियोला ने, तो ये मत बोलना तू कौन होता है भैंचो पेप गार्डियोला का चूतिया बोलने वाला। मैं कोई नहीं होता भाई, मैं चूतिया जो मैंने ऐसे गाली दी, बट मैं सिर्फ इमोशन दिखा रहा हूँ भाई। आई डू नॉट मीन एनी इंसल्ट टू एनी प्लेयर और अ मैनेजर, समझ गए ना भाई तुम? समझने वाले समझ गए, जो नहीं समझे वो फिर भी लिख ही देंगे भाई। दूसरी चीज, अब अगर मैं गाली दे रहा हूँ तो ईयरफोन्स पहन लो, एयरपॉड्स पहन लो, जो पहनना है पहन लो यार, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज, एंजॉय करो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल और मतलब शेयर कर दो यार अपने दोस्तों के साथ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आई लेवल अप माई गेम, गिव यू गुड वीडियोज, तुम भी बस एक लाइक बटन ही दबा दो, चलो यार कुछ नहीं दो। एंड चौथी चीज यार, लव यू गाइज यार, एंजॉय द वीडियो भाई, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, देखो चैंपियंस लीग के मैचेस होते हैं ना भाई ट्यूजडे रात को 12:30 बजे, वेडनेसडे रात को 12:30 बजे भाई, तो नींद इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए बनी ही नहीं है भाई। हम अपना पूरा स्केड्यूल उलट पुलट कर देते हैं भाई, रात को सुबह को, मतलब रात को तो क्या ही, सुबह को 3:30-4 बजे सोते हैं अपनी टीम को सपोर्ट करके भाई। बट इस वीकेंड भाई, जो भी लोग रात तक उन्होंने बैठ के मैचेस देखे ना भाई, इट वॉज कम्प्लीटली वर्थ इट भाई। ट्यूजडे नाइट को देवर टू मैचेस, फर्स्ट वॉज मैनचेस्टर सिटी वर्सेज रियल मैड्रिड, सेकेंड वॉज आर्सेनल वर्सेज बायर्न म्यूनिख भाई। सो सिटी रियल मैड्रिड में रियल मैड्रिड के होम पे मैच हो रहा था। मैच से पहले पता लगा भाई केविन डी ब्रुइना को दस्त लग गए भाई, स्टमक अपसेट और इल बोल दिया भाई उसे। तो एज रियल मैड्रिड फैंस हम तो थोड़ा खुश हुए भाई, दैट स्लाइट एडवांटेज है भाई। और दूसरा, काइल वॉकर वॉज नॉट इवन प्लेइंग भाई, सो विनिशियस जूनियर को कौन रोकेगा भाई। तो उस माइंडसेट से हम अंदर गए थे मैच देखने, और क्या ही मैच था भाई, मतलब गांडे ही फाड़ दी भाई। अब देखो ऐसे ऐसे गाली आती रहेंगी, तुम समझ जाना भाई, उस मैच ने ही गांड फाड़ दी भाई। क्योंकि मैच स्टार्ट हुआ दूसरे मिनट पे बर्नार्डो सिल्वा ने गोल मार दिया भाई, 11वें मिनट पे कामाविंगा ने इक्वलाइज कर दिया, 13वें मिनट पे रॉड्रिगो ने कर दिया भाई 2-1 भाई। तो ऐसे मैच स्टार्ट हुआ, बहुत ही क्रेजी मैच था, बहुत ही इंटेंस मैच था। फिर सेकेंड हाफ में सिटी केम बैक विद 2 banger ऑफ अ गोल्स भाई, फिल फोर्डन शोड हिज क्लास, ग्वार्डियोल विद अ बेल्टर ऑफ अ फिनिश, ओनली फॉर वाल्वर्डे टू मेक इट 3-3 विद व्हाट आई कंसीडर वाज द बेस्ट गोल ऑफ द मैच भाई। क्या ही मैच था, विनिशियस जूनियर प्लेड लाइक अ चैंपियन भाई। बट हालैंड का क्या कर रहा था उस मैच में भाई, पॉकेट से निकालना पड़ेगा भाई हालैंड को, बिकॉज हालैंड दिखा ही नहीं भाई पूरे मैच में। थैंक्स टू विच प्लेयर बताओ भाई, रूडिगर यार। ये देखो भाई स्टैट्स अलग ही स्टोरी बयां कर रहे हैं भाई, 38% पोजीशन था भाई रियल मैड्रिड का, कंपेयर टू मैनचेस्टर सिटी 62%। बट उस 38% में रियल मैड्रिड ने 13 शॉट मार लिए कंपेयर टू मैनचेस्टर सिटीज 9। सो चाहे लिमिटेड पोजीशन था भाई, शॉट ज्यादा रियल मैड्रिड ने मारे, अटैक ज्यादा रियल मैड्रिड ने किया, काउंटर अटैक ज्यादा रियल मैड्रिड ने किया। दोनों टीम को 2-2 येलो कार्ड मिले, विच मीन्स चुआमेनी हु स्टार्टेड एज सेंटर बैक फॉर द टीम विल नॉट प्ले द रिटर्न लेग विच विल हैपन एट एटिहाड स्टेडियम भाई। सो इस मैच को कंक्लूड करने के लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाई लास्ट सीजन भी यही फिक्स्चर हुआ था, रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी इन द चैंपियंस लीग, जिसका फर्स्ट लेग ड्रॉ हुआ था 1-1 और सेकेंड लेग में मैनचेस्टर सिटी ने पेल दिया था भाई, गांड मार दी थी रियल मैड्रिड की 4-0 भाई। तब एंसेलोटी ने बोला था कि बॉयज डिड नॉट शो द कैरेक्टर, दे लैक करेज, एंड सब सोच रहे थे एंसेलोटी छोड़ के चले जाएगा भाई। दिस इज द टाइम फॉर एंसेलोटी एंड रियल मैड्रिड प्लेयर्स टू रिडीम देमसेल्व्स फॉर द लास्ट सीजन्स लॉस भाई, बट इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा गोल चैंपियंस लीग में किसने मारे भाई, मैनचेस्टर सिटी में। सबसे ज्यादा पोजेशन किसका है भाई चैंपियंस लीग में, इट इज मैनचेस्टर सिटी। एंड सबसे ज्यादा पासिंग एक्यूरेसी किसकी है भाई पूरे चैंपियंस लीग में, इट इज मैनचेस्टर सिटी। हाउएवर अगर बिल्कुल ऐसा ही गेम खेले रियल मैड्रिड एट एटिहाड स्टेडियम कि वो काउंटर अटैक करें भाई, बिकॉज यहाँ पे भी 62% पोजेशन था भाई सिटी का, उसके बाद भी रियल मैड्रिड टुक मोर शॉट्स भाई एंड दे वर लुकिंग लाइक दे वर अबाउट टू स्कोर। सो मैनचेस्टर सिटी का डिफेंस इतना सॉलिड नहीं है जितना वो था लास्ट सीजन,
सो रियल मैड्रिड विल हैव अपॉर्चुनिटीज बट लेट्स सी इफ दे विल बी एबल टू कैपिटलाइज अपॉन इट और नॉट भाई. बट ये मैच गांड फाड़ था भाई, मैं बता रहा हूँ भाई, तुम हाइलाइट्स देख लो जितनी बार भी, जो मजा लाइव मैच देखने का था ना भाई, मजा ही आ गया भाई, सच्ची बता रहा हूँ, मजा ही आ गया भाई. सो भाई आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख का मैच भी बहुत ही क्रेजी था भाई. द मैच एंडेड 2-2. बुकायो साका स्टार्टेड द स्कोरिंग एट द 12th मिनट भाई. ही स्कोर्ड फ्रॉम द राइट विंग भाई, बंदा काटा राइट बॉटम कॉर्नर, बैंग भाई, व्हाट अ बेल्टर ऑफ अ फिनिश, मजा आ गया भाई देखकर. उसके बाद उसके 6 मिनट बाद भाई सर्ज गनाब्री मेड इट 1-1 यार, ओनली फॉर हैरी केन टू विन अ पेनल्टी. टॉटनहम का प्लेयर था भाई हैरी केन, he came back to Arsenal. Tottenham and Arsenal are fiercest of rivals यार. तो Harry Kane ने 2-1 कर दिया, but Trossard at the 76th minute made it 2-2 भाई. ये भी बहुत ज़्यादा exciting match था भाई. अगर possession की बात करें तो Arsenal had 59% of the possession. Total shots Arsenal ने ज़्यादा मारे, shots on target Arsenal ने ज़्यादा मारे, but big chances created was with Bayern Munich यार. So Bayern Munich if they would have wanted, they could have definitely gotten one goal, but this match was no less than a classic. And again, I would say slight advantage to Bayern Munich, क्योंकि Allianz Arena में it will be a different ball game altogether. But I think Arteta has the capability to go and get an away result as well. So जिस तरीके से Arteta and Arsenal approach the Premier League, अभी तक वही उसका ही translation Champions League में दिखा नहीं है यार. So Arsenal is dominating the Premier League अभी, but वो ही domination अभी तक Champions League में आया नहीं है. Even in the previous round, Arsenal struggled and managed to come through the quarterfinals. But if any team can do it in the current form, it is Arsenal भाई. So let's see what happens यार. अब आ जाओ भाई एक और फाड़ू मैच पे भाई, which was PSG versus Barcelona, and the match was happening at PSG's home भाई. बहुत ज़्यादा pressure था इस पे Barcelona को to go there and get a result. Luis Enrique was playing against his old team. He was the manager of Barcelona. Ousmane Dembele was a former Barcelona player and now he was playing for PSG. Xavi ne pre-match press conference mein Dembele ko praise bhi kiya tha and bahut hi zyada crazy match play out hua. And I would say hats off to Xavi for the tactical masterclass. At the end of full time 2-3 hua full time score. Barcelona won 3-2. बट क्या ही मैच था, क्या ही सब्स्टिट्यूशंस थे भाई. तो मैच स्टार्ट हुआ विद राफिनिया मेकिंग इट 1-0 एट द एंड ऑफ 37th मिनट भाई. उसके बाद हाफ टाइम पे बार्सिलोना वर लीडिंग 1-0 नॉट लेस देन 3 मिनट्स इन द सेकंड हाफ भाई. उस्मान डेम्बेले स्कोर्ड अगेंस्ट हिज फॉर्मर क्लब मेकिंग इट 1-1 यार. एंड फिर आया टैक्टिकल मास्टर क्लास फ्रॉम जावी भाई. ही ब्रॉट इन पेड्री. पेड्री आते ही विद इन फर्स्ट मिनट he assisted the ball to Rafinha and the score was 2-2. Yehi nahi, he brought in Christensen at the 76th minute only for Christensen to score the header off his first touch and giving Barcelona the lead and the match 3-2 khatam hua bhai thanks to a tactical masterclass from Xavi. Two players who will be missing the second leg of this match will be Sergi Roberto which is one and Christensen which is the second player. And the good news for PSG is that Hakimi will serve his suspension and come back in the second leg. तो ये मैच बहुत ही ज़्यादा सही था भाई. बार्सिलोना ने 27 मैच अनबीटन रन तोड़ दिया भाई PSG का after the end of this match because they won 3-2 thanks to a Xavi masterclass भाई. एक और प्लेयर जिसको मैं प्रेज करना चाहूंगा यहाँ पे, दैट इज कुबर्सी भाई. 17 साल का सेंटर बैक भाई गांडे फाड़ रहा है यार. 17 साल में मैं मिट्टी खाता था भाई. He's starting for Barcelona and क्या ही गेम खेला भाई. किलियन एम्बापे कल के मैच में दिखा ही नहीं भाई thanks to a defensive masterclass from Kubarsia. And the last match was Atletico de Madrid versus Borussia Dortmund यार. दोनों ही टीम्स डोमेस्टिक फॉर्म थोड़ा उनका इनकंसिस्टेंट रहा है, सो बोथ वर फाइटिंग फॉर द अल्टीमेट प्राइस एंड वॉट अ मैचअप इट वॉज यार. मैच एंडेड 2-1 Atletico Madrid भाई. Atletico Madrid ने 2 गोल मारे, Dortmund ने 1 मारा. Dortmund ने बहुत लेट मारा पहला गोल अपना,
But it was also a good match to see. Match start hua and Rodrigo De Paul scored in the 4th minute only, bhai, thanks to a defensive error by the Borussia Dortmund defenders. Yaar. Uske baad dominate Atletico Madrid hi kar rahi thi and Samuel Lino scored at the 32nd minute. Lino वैसे fullback है भाई, but he is in top form. But the sad news is that he will miss the second leg of this fixture due to a yellow card, bhai. बहुत ही बढ़िया मैच हुआ, ऐसे लग रहा था एटलेटिको मैड्रिड 3-0-4-0 कर सकती है, बट समहाउ डॉर्टमुंड कंटेन देमसेल्व्स एंड हालर इन द 81st मिनट गिव अ गोल बैक टू बोरुशिया डॉर्टमुंड. यार पहले लग रहा था ये टाई ओवर हो जाएगी अगर एटलेटिको मैड्रिड एक और गोल मार दे, बट हालर गॉट देम बैक इनटू द गेम एंड अभी भी डॉर्टमुंड हैज गुड चांसेस टू क्वालिफाई इफ दे हैव अ गुड मैच एट देयर होम ग्राउंड इन द सेकेंड लेग. तो ओवरऑल गार्न फाड़ चैंपियंस लीग नाइट्स हुई भाई, जितने लोगों ने सैक्रिफाइस करी अपनी नींद, लव यू गाइस यार, यू आर द ट्रू फुटबॉल फैंस यार. हम तो लाइव स्ट्रीम कर ही रहे थे, जो मेरी स्ट्रीम पे थे वो तो थे ही भाई, एंड बाकी लोगों को भी भाई हैट्स ऑफ इफ यू सॉ द मैचेस लाइव भाई. हाइलाइट्स में मैं बता रहा हूँ इतना देखने का मजा नहीं आया होगा, बट जो भी है भाई इट इज वॉट इट इज. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दो भाई, तुम्हारे को तुम्हारी मम्मी कसम भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं यही करना चाहता हूँ भाई लाइफ में यार. तो मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने एंड पे, तुम एक सब्सक्राइब का बटन दबा दोगे तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा अपने अल्टीमेट गोल में, विच इज टू डू दिस फॉर अ लिविंग यार. सो सी यू, आदियोस अमिगोस, लव यू, टेक केयर, मुआ, बाय.